हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक कनोजर गेमिंग की वीडियो में आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन फायर एश। और आज ऐसे बनो मत हैं, आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं फूसी सिटी से आगे और नीचे की तरफ हम जाकर देखते हैं नीचे क्या है। तो हम पहुंच गए रूट 19 पे और इसको मैंने हरा दिया था, चलते इसको भी मैंने हरा दिया था। तो मैं बच बच के निकल जाता हूं ऊपर और हमें आज शायद मिस्ट्री यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे चलते हैं वापस। और यहाँ ट्रेनर अरे बैटल हो गया, चलो इन सब कुछ स्किप करके मैं आ गया। और यहाँ पर नहीं है कुछ भी, नीचे जाना पड़ेगा। फिर एक घर दिख रहा है, मैं घर के अंदर जाकर देखता हूँ क्या है। अरे यहाँ तो टीम रॉकेट है भाई, टीम रॉकेट यहाँ क्या कर रही है। अच्छा ये वो हमारा है ऐसी कोड़े जहाँ तो भी पी एस को मिलने वाली थी, बट उससे मेरी थी मिस्ट्री ने। कोई नहीं, पिकाचू जल्दी से इसको हरा देगा, थंडरबोल से ख़त्म कर दे पाया नहीं हो पाया यार। कोई नहीं, और दोस्तों वीडियो दो दिन लेट आ रही है तो सॉरी यार। अब स्कूल जाता हूँ तो टाइम टेबल मेरा बिगड़ चुका है। पहले छुट्टियाँ चल रही थी तो टाइम टेबल सही था कि मैं सुबह वीडियो बना देता तो शाम को आ जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं चल रहा है। तो मेरे को बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ, उसको एडिट करना और फिर भेजना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस आज तो मैं अभी भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो परसों बनाई थी बट आज भेज रहा हूँ। इसकी भी एक वजह है क्योंकि कल तो मेरा बर्थडे था, आप सभी ने विश भी करा था, थैंक यू, बट ज़्यादातर विश नहीं आए थे, कोई नहीं। पर आज मेरा बर्थडे तो नहीं है इसलिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ, कल वो सब करना पड़ा था पार्टी। तो जल्दी से 4 मिलियन इसे हरा देगा और प्लेन थ्रोअर से ख़त्म कर देगा। और आज तो मेरे बहुत खुश अच्छी खच्ची जो भी खबर है, आप सब नाइस कमेंट करते हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है। इसलिए आपको मैं कल से इसमें शाउट आउट भी देने वाला हूँ, तो करते रहो अच्छे अच्छे कमेंट और शाउट आउट ले जाओ। चलो लिक्विडन को जल्दी से हरा देते हैं, लगता है मिस्ट्री ने यहाँ पर पकड़ लिया था लिक्विड को। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है बट कोई नहीं, तो भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दो दिन से वीडियो छोटी हो रही थी तो आज बड़ी है, 10 मिनट या 9 मिनट की वीडियो बनेगी। जल्दी से इसे फ्लेम थ्रोअर से ख़त्म कर देता हूँ मैं। चलो हमने हरा दिया विक्ट्री बेल को भी, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन। कोई नहीं आया तो कोई नहीं। अरे मेरा 4 मिलियन इन्वॉल्व हो रहा है इंटू 4000, तो आज का थंबनेल मिल गया भाई। और देखते हैं क्या। अरे भाई एकदम ही खतरनाक लीजेंडरी पोकेमोन टाइप। अब हमारे पास फ्लाइंग टाइप और फायर टाइप दोनों टाइप के पोकेमोन है। ये तो दोनों ही बन चुके हैं, तो मैं किसको हरा हूँ, फ्लेम बस्ट को हटा देता हूँ। एयर स्लैश विंग अटैक सीख रहा है क्या, तो इसका डैमेज कितना है। चलो इससे कम है तो मैं नहीं सिखाना चाहता। तो चलो अब मेरे को लगता है मिस्टी से फाइट करनी पड़ेगी। हाँ मिस्टी फाइट कर रही है मेरे से, तो देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है। उसके पास 5 पोकेमोन है पिकाचू, तो यार टिकेगा नहीं ज़्यादा देर। अगर इसका हील होता तो मेरा पिकाचू हील होता तो ख़त्म कर देता, हॉर्न अटैक से ही ख़त्म हो गया यार। 1 HP पर बचे जाता बट पैरालाइज हो गया, तो 1 HP मेरी डाउन हो गई। जल्दी से बल्बसौर को ट्राई करता हूँ, बल्बसौर तो रिजली इसे ख़त्म कर देगा। चलो हरा दिया हमने गोल्डीन को, और अब स्टारी उसका नेक्स्ट पोकेमोन स्टारी है, तो जल्दी से स्टारी को भी हम हरा देते हैं। और चलो डबल एज इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई बहुत खतरनाक डैमेज दे दिया बट कोई नहीं, हमने भी बहुत अच्छा डैमेज दिया। तो अब मैं लीव सी ट्राई करता हूँ, जिसने यार पहले अटैक कर दिया तो मैं ख़त्म हो गया। जल्दी से अपना नेक्स्ट पोकेमोन भेजते हैं पटल, नहीं सॉरी पिजियोटो को भेजते हैं, क्विक अटैक से ख़त्म कर देगा। हाँ चलो ख़त्म हो गया, और अब ये हो गया 25 लेवल का पिजियोटो। मैं पिजियोटो को ज़्यादा लेवल अप पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, ये इसका मौका ही नहीं मिलता। मिस्टर इस पर ज़्यादा कुछ तो करा नहीं यार, ये इसलिए तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा यार, इसके अटैक सारे वीक है। एक और गस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा, कंफ्यूजन और ये ख़त्म नहीं हुआ, बच गया भाई। स्ट्रांग तो है बट अभी हम निकाल लेते हैं अपने इसको, निकालूँ 4000 को ट्राई करता हूँ। अरे यार मैं भूल गया यार, ये तो फायर टाइप पोकेमोन है, फायर टाइप तो वाटर टाइप सुपर डुपर सब इफेक्टिव है। तो अरे यार देख लो 1 HP पे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ। ड्रैगन रेज और बहुत अच्छा, और एक यार ख़त्म हो गया। कोई नहीं अब हम ट्राई करते हैं अपने मक भैया को या स्क्वाडल को करता हूँ ट्राई। स्क्वाडल एक अटैक बाइट या बाइट करता हूँ, बाइट से ख़त्म कर देना चाहिए। एक में तो नहीं हुआ, चलो एक और में स्क्रैच मार रहा है।
पेजमेर पे इफेक्टिव नहीं है। तो हरा दिया हमने मिस्टी के साइड को। यार सीरीज में तो बहुत गंदा था, इसमें तो बहुत तगड़ा है। अब आ गया उसका शिकार नहीं, बाइट अटैक करता हूँ, सुपर डुपर इफेक्टिव है। ये साइकिक टाइप है मेरे हिसाब से, तो उस पर इफेक्टिव ही इफेक्टिव है। अरे टैकल मार दिए यार। चलो एक और बाइट और एक और ख़त्म कर देते एक और करके। अरे यार उसने वापस बुला लिया, अब इस पर तो बाइट नहीं होगी काम की। तो मैं स्विच करूँ या यही रहने देता हूँ, जल्दी से हरा देता हूँ इसको भी। एक और बाइट। और अब मैं ट्राई करता हूँ अपने मक भैया को। सो कर थक गया होगा तो अब उठा लेता हूँ मक को भी। मक भाई बहुत स्ट्रांग पोकेमोन है यार, ऐसे नहीं उतरता, उतरता है जब सबको ख़त्म करके आता है। स्लज बॉम्ब जो वन ऑफ द बेस्ट मूव है। और चलो इसको हरा दिया, अब आ रही है। अरे मेरे को कॉल आ गया, चलो इसको हटा देता साइड में। तो अब मैं भेजता हूँ अपने इसको। अरे यार वाटर गन मार रहा है, स्लज बॉम्ब से इसको ख़त्म कर देते जल्दी से जल्दी। चलो अब मेरा मक 38 लेवल का हो चुका है। वेनोम क्या नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो अब इसको सिखाना तो नहीं है मेरे को। और हमने मिस्टी को तो हरा दिया। और शायद अब ये कुछ कह रही है, ये कह रही है टोगी पी इसकी रहेगी। यार ये तो चाहिए थी टोगी पी। चलो कोई नहीं, हम आगे की तरफ चलते हैं जल्दी से। और उसका गेट बंद हो गया पता नहीं किस लिए, पर चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर मेरे को बंदे दिख रहे हैं सामने, एक एनिमी है तो इसको। अरे यार चलो बच गए, एक और, चलो इससे भी बच गए आ गए। और यहाँ तो बैटिंग करनी पड़ेगी, ऊपर से निकल जाता हूँ बच के। चलो यहाँ से बच गया, ऊपर जाता हूँ, ऊपर ट्रेनर है, नीचे जाता हूँ सबसे पहले तो नीचे में देखता हूँ क्या है। शायद यहाँ हमें मिल जाएगी वर्मिलियन टिकट देख। अरे यार चलो इसको हमने कर दिया, हरा दिया। अच्छे से इसके अंदर, और ये दद्दू हमें दे देंगे शायद। वर्मिलियन टिकट हमें मिल चुकी है, अब हम सफ़र कर सकते हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ। चलते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड का मेरे को नाम नहीं आ रहा है, सॉरी आइलैंड। मैं इसलैंड कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही। चलो इसके बैटल में हरा दिया हमने। और यार हम तो यहीं निकल आए, सही तो नहीं जाना, तो देख लेता हूँ नीचे की तरफ वो बंदे से फाइट करके आ जाता हूँ, शायद कुछ लेवल अप हो जाए। चलो मैंने इसको तो हरा दिया। और हमें अच्छा यहाँ भी वही है सेम। तो दोस्तों हमें शायद किसी और तरफ से जाना है, तो दोस्तों मैं जल्दी से आता हूँ रास्ता। और दोस्तों आपको चले जाना था सीधे यहाँ से वर्मिलियन सिटी से, कहीं कोई से भी पोकेमोन सेंटर में आकर आपको चले जाना है वर्मिलियन सिटी के अंदर। और जल्दी से मैं अपने पोकेमोन हील करा लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें हील नहीं कराए थे, तो मेरे को यहाँ हील कराने। चलते हैं अभी जल्दी से, आ गए हम वर्मिलियन सिटी में टेलीपोर्ट होकर। और चलते हैं यहाँ से, ट्रिपल ओवर हो गया, बट ट्रिपल का अभी काम तो नहीं है तो मैं नहीं लगाना। अरे यार गेम यहाँ अटकने लग गया। और यहाँ ही हमने थर्ड बैच जीता था अपने, याद करो दोस्तों, बहुत मुश्किल से जीता था बट जीत लिया। चलो इसके अंदर चलते जल्दी से जल्दी, कोई देर नहीं करना हमें। और चलो अशिप आपको सेकंड वाली लेके जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाली में मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट वाली क्यों नहीं लेके जाएगी, क्योंकि इसके पास नहीं है। देख लो ये कह रही है अंडर द कवर, बस नहीं ये कह रही बाद में आना, तो इसके अंदर आपको जाना है। और उस साइड एक और शिप है, वो तो आपको रीजन घुमाएगी, सीनो हो या ना मुश्किल से जाने वाले। चलते हम पहुँच गए शायद, हाँ सिनेबार आइलैंड हम पहुँचे, सिनेबार आइलैंड है नाम शायद, सिनेबार। और यार हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, तो पूछो मत मेरे, यहाँ एरिया की साइड हवा बहुत तेज़ चल रही है। चलो हील करा लेता हूँ पोकेमोन। और कल की वीडियो में हम जिम लीडर को चुनौती देने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार लाइक एंड सब्सक्राइब।